करते हैं फिर आहिस्ता 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 इतना घुमाते हैं इतना घुमाते हैं कि छतरी बन जाती है। जब छतरी बन जाएगी उसमें आलू डालेंगे। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बजने वाले हैं 11:30 और मैं अभी जस्ट फ्री हुई। 11:30 क्या 11:25 होने वाला है और मैं अभी जस्ट फ्री हुई अपने काम से और मम्मी चली गई हैं अपने मायके। जैसा कि मैं आप लोग को बताई थी कि उनको जाना है, बाबू आकृति गए हैं स्कूल, ये अपने गए हैं ड्यूटी पे और मैं घर पे अकेली हूँ। तो मेरा सारे काम हो चुके हैं, मैं अभी जस्ट फ्री हो गई हूँ। बस मेरे पास जो काम बचा है हुए है कि यहाँ पे मेरा जो कपड़े हैं उनको करना है फोल्ड और जो प्रेस वाले कपड़े हैं उनको करना है अलग। कल रात में मैं बना रही थी पनीर टिक्का, और टिक्का तो नहीं बना लेकिन हाथ पर यहाँ पे टिक्का ज़रूर बन गया है। तो मेरा हाथ कल फिर से यहाँ पे जल गया और यहाँ पे भी जला हुआ है। तो रात में काफ़ी दिक्कत हुई मुझे, क्या बोलते हैं, मैं जो काम था जैसे था वैसे पड़ा छोड़ छाड़ के सो गई क्योंकि काफ़ी हाथ जल गया था। और यहाँ जलने को जैसे काफ़ी तेज़ जलन भी हो रही थी, दर्द भी हो रहा था। मेरे पास ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पास हाथ ही नहीं है, हाथ गायब हो गया है पूरा, ये वाला हथेली जो है सुन पड़ गया था। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, मैं क्रीम लगाई, उसके बाद बर्फ़ वाले पानी में हाथ डाली, तब जाके मुझे आराम हुआ। पिछली बार में तो जो जला था तो काफ़ी राहत हो गया जल्दी से ही, 1-1.5 घंटे के अंदर ही, लेकिन ये पूरी रात जलता रहा। किसी तरह सुबह में आराम मिला है मुझे। तो धीरे धीरे मैं अपना सारा काम जो है निपटा ली हूँ और वीडियो जो मेरा एडिटिंग नहीं हुआ है, मुझे एडिटिंग करना है उसका। मैं बैठ के करूँगी एडिटिंग। और क्या बोलते हैं, भैया आ गए थे तो थोड़ा बातचीत करने में वो होता है ना कि टाइम निकल जाता है तो फिर आप भूल जाते हो कि आपको क्या करना है। तो बस ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ था। तभी मैं चल रही हूँ अपने वीडियो को एडिटिंग करने। आकृति देवासु भी 1/2 घंटे के अंदर आ जाएंगे तो मेरे पास सिर्फ 1/2 घंटा बचा है वीडियो एडिटिंग करने के लिए। तो चलो मैं अपने वीडियो को कर लेती हूँ यहाँ पे ऐड और उसके बाद देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। आज मॉर्निंग में मैं बनाई हूँ कद्दू वाली सब्जी, तो मैं सोची आप लोग के साथ भी इसको शेयर कर दूँ। तो पहले मैं कढ़ाई में तेल डाल दी और आकृति बाबू को बनाई थी आलू गोभी की भुजिया और पूड़ी, तो इसलिए कढ़ाई में थोड़ा मसाले लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा आलू बॉयल हुआ है और एक तरफ से कद्दू, टमाटर और उसके बाद आलू है, साथ में थोड़ा सा गर्म मसाला। इन सबको पानी के साथ मैं बॉयल कर दी हूँ और उसके बाद तेल गर्म होने के बाद मैं पचफोरन हींग ऐड कर दी। और पचफोरन हींग जैसे हमारा चटक जाएगा तो मसाले, सबको ही पता है कि हमारे गीले मसाले पिसे हुए कैसे होते हैं, जिसमें प्याज अदरक लहसुन मिर्च होता है, तो सबके घर में ही होता है कि ग्रेवी की सब्ज़ी बनाते टाइम हम लोग यही वाले मसाले यूज करते हैं। तो हम सारे मसालों को ऐड कर दिए और 3-4 मिनट भून लिए। उसके बाद इसमें ऐड कर दिए अपने पैकेट के जो मसाले राजेश के आते हैं मीट वाले, तो मैं उसको ऐड कर दी। साथ में ऐड कर दी गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर, फिर हल्दी पाउडर, इन सबको कर दूँगी अच्छे से मिक्स और साथ में थोड़ा सा नमक। सबको मिक्स करने के बाद मैं ऐड कर दूँगी इसमें थोड़ा सा पानी, तो हमारे जो मसाले वाले पानी है मैं उसको ही ऐड करूँगी। तेरा हमारा मसाला वाला पानी मैं इसको ऐड कर दी। अब इसको ढक देती हूँ जब तक कि हमारा मसाला अच्छे से भून न जाए। तो अभी हमारा मसाला जो अच्छे से भून गया है और इसमें मैं ऐड कर दी अपना उबला हुआ जो हमारा कद्दू था उसको, और यहाँ पे जो आलू बचा हुआ था मैं उसको भी ऐड कर दी। अब इन सबको मुझे करना है अच्छे से मिक्स, तो यहाँ पे मैं कर दी इनको अच्छे से मिक्स। अब ढक देती हूँ इनको पकने तक। तो अभी हमारा जो सब्जी अच्छे से पक गया है, अब इसमें मुझे ऐड करना है हरा धनिया। तो मैं हरा धनिया ऐड कर दी और चला के गैस को कर देती हूँ आप, क्योंकि हमारी जो सब्जी है अच्छे से बन गई है। तो हमारा सुबह का नाश्ता जो है बन के तैयार हो गया है, मैं लेके जा रही हूँ उनको देने के लिए। और जो पूड़ियाँ हैं इन्होंने खुद बनाई हुई है, क्योंकि मेरा हाथ जला हुआ है तो मैं पूड़ियों को नहीं बेल पाई, इसलिए इन्होंने पूड़ियों को बेल दिए और मैं छान दी हूँ। तो यहाँ पे गौरा घर पे आई हुई है शाम के टाइम में और इस टाइम पे 6:30 या 7 के आसपास में हो रहा है। तो आइए आकृति और बाबू के साथ खेलने के लिए। और बाबू की हो रही है पढ़ाई, लोग को भर भर के होमवर्क मिला है। और इधर मेरे होने वाली भौजाई का फोन आया है तो कर रहे हैं बात। मैं देखती हूँ आपसे क्या बोली, क्या कैसा होमवर्क मिला हुआ है। और मुझे मैं ले ली, मैं खा ली प्रसाद, आप लोग भी ले लीजिए। तो मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगी तो आकृति का ये सब मुझे बनाना है। ये क्या था अभी दिवस मुझे डरा रहे थे क्या, और ही मैं तो डर गई। तो यहाँ पे मेरा आलू बॉयल हो गया है, डोसा बनाना है हमको इसलिए। और अभी मैं आ गई किचन की तरफ, तो
तो आकृति को चाहिए इडली, तो मैं बनाने वाली हूँ वेज इडली। यहाँ पे हमारी सब्जियाँ कटी हुई है और यहाँ पे मैं आधे का इडली बनाऊँगी और आधे का बनाऊँगी डोसा, जिसको मैं दोपहर में ही पीस ली थी। यहाँ पे हमारा सांभर बन के तैयार है, इसका तड़का देना है यहाँ पे पानी। तो यहाँ पे पानी हो रहा है गर्म, तब तक मैं इसमें अपनी सारी सब्जियाँ मिक्स कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊँ, हमारा जो बैटर है आधा अलग कर दी हूँ इडली बनाने के लिए, और उसमें ऐड कर दी मैं सारी सब्जियाँ, उसके बाद नमक और साथ में इनो। तब इडली वाला जो साँचा है उसमें मैं लगा दी थोड़ा सा रिफाइंड आयल, जिससे कि हमारी इडली चिपके नहीं, और इसको सेट कर दी इनके स्टैंड में। और उसके बाद मैं इसको डाल देती हूँ पानी में, जहाँ कि हमारा पानी गर्म हो रहा है। और क्या बोलते हैं, मैं इडली सेकेंड टाइम में बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम पे मैं जब बनाई थी उस टाइम पे इनो पाउडर डालना ही भूल गई थी, और सेकेंड टाइम पे बना रही हूँ। हमारी सिस्टर जो है, जब वो मेरे यहाँ आती है तो वही इडली बनाती है, तब हम लोग खाते हैं, क्योंकि ना मुझे इडली बनाने का शौक़ है ना खाने का। ये तो आकृति है जो जिद करती है, तो मुझे बनाना पड़ जाता है। तभी हमारी इडली जो है अच्छे से हो गई है। तो इडली को मैं दो ही साँचे में फिट की थी, क्योंकि फर्स्ट वाला जो है पानी में डूब जाता है, इसलिए मैं उसमें नहीं ऐड की थी। तो मैं जो अपनी इडली उनको निकाल ली हूँ, और सेकेंड राउंड वाला जो उसको भी मैं डाल दी हूँ। और इधर मैं डोसा का जो आलू, मैं उसको कर रही हूँ फ्राई। तो डोसा का आलू सबको फ्राई करने आता है, इसको क्या शेयर करना है, आप लोग को पता ही है कि डोसा का आलू कैसे फ्राई होता है। तो मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ, और जितने हमारे मसाले हैं उन सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ आलू में। तो जैसे समोसे का आलू भुना जाता है, वैसे डोसे का भी आलू भुना जाता है, तो आप लोग को पता ही होगा ये वाली बात। और यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ सांभर को करने के लिए फ्राई। तो हमारा सांभर जो सारी सब्जियाँ मैं दाल के साथ पका ली थी, बस मुझे इसमें तड़का देना है। तो मैं ऐड कर दी सांभर मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, और उसके बाद इमली वाला जो पानी होता है मैं उसको ऐड कर दी हूँ, और करी पत्ता भी साथ में आप लोग देख सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमारा दाल है सांभर वाला, मैं कर दूंगी उसको मिक्स। हाँ, रेड चिली पाउडर मैं भूल गई थी, तो इसको मैं बाद में ऐड की हूँ, और इसको भी अच्छे से चला लेती हूँ। तो क्योंकि बिना रेड चिली पाउडर के सांभर उतना टेस्टी नहीं लगता है, अपनी अपनी चॉइस है। मेरी तो यही चॉइस है कि मैं किसी चीज़ में क्या बोलते हैं रेड चिली पाउडर यूज करूँ या ना करूँ, देगी मिर्च वाला, लेकिन सांभर में मैं ज़रूर यूज करती हूँ। तो यहाँ सांभर में अच्छे से कर दी मिक्स, अब इसको 2-3 मिनट पका लेती हूँ। तो यहाँ पर जैसे सांभर और इडली तैयार हुआ, आकृति हो गई बेचैन खाने के लिए। तो मैं लेके जा रही हूँ आकृति के पास में, और आकृति से करवाती हूँ उसको टेस्ट। कहाँ रोटी तुम्हारा, रोटी किधर है? लाओ, तो मेरा सारा काम हो गया है, मुझे सिर्फ बनाना है डोसा। तो मैं एकदम भीग गई थी, बहुत काम फैल गया था मेरा। क्या हो रहा है अब? उसके बाद हम लोग कपड़े फोल्ड करने हैं, फिर आकृति का ड्राइंग बनाना है, उसके बाद तुम्हें बना सकते डोसे को। धो धो धो, खड़क रहे आकृति, रोटी कहाँ है बाबू का? बहुत परेशान करता है लड़का। रोटी कहाँ है? रोटी यही छोड़ दी हो? तो भाभी के यहाँ से रोटी मांग के आई है, क्योंकि ना बाबू डोसा खाता है ना इडली खाता है, तो इसको खिलाना पड़ेगा रोटी मुझे। बाबू खिलाए ना, चलो चलो चलो। तो आकृति कब से परेशान की थी मुझे कि उसका मैं ड्राइंग बना दूं, तो मैं आ गई हूँ यहाँ हाल में उसका ड्राइंग बनाने के लिए। और होने वाली भाभी जो है, उन्होंने फ़ोन किया था मुझसे बात करने के लिए, मैं कर रही हूँ उनसे बात। मेरा हाथ जल गया था, वही उनको पता चला है, तो वही हाल चाल करने के लिए फ़ोन की थी। अभी आकृति का ड्राइंग जो है यहाँ पे मैं बना दी हूँ, जैसे मुझे आ रहा था ठीक ठाक। इधर आकृति और बाबू जूस 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 काबरा वाले बने हुए हैं। इधर आकृति के पापा, कुछ बचा हुआ था आकृति का, तो शायद उसको लिख रहे हैं। अरे बाबू सुनो, देवांशु, ए हीरो, ओ गया ही रेजर, अभी रेजर का जूस निकल जाएगा, दो आ खराब हो जाएगा पूरा। ये क्या मजाक है जी? देवांश, मैं जा रही हूँ बनाने डोसा। आकृति को चाहिए ओनियन डोसा, तो पहले आकृति का ओनियन डोसा बनेगा, फिर हम लोग का बनेगा आलू वाला। हम भी आलू वाला खाएंगे। आलू वाला ना, आज आलू में मटर है ना पनीर है, हम भी यही वाला। पर क्या करें, जो है उसी का बना के हम लोग खाएंगे। हम भी यही खाएंगे आलू ना, आज आकृति भी आलू लगा। अभी उसका पानी छिड़ रहा है मारता है। नहीं छिड़ा मारे, अभी पानी से धोए हैं, हम धोए थे। कपड़ा कहाँ? हमेशा काम बढ़ा देते हैं मेरा काम बढ़ाते।
आटे की अभी बनाएंगे। गैस धीमा शांत रहो, पहले क्या बोलते बेटर को तवा पटारते हैं, फिर आहिस्ता 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 इतना घुमाते हैं, इतना घुमाते हैं पागल हो जाएगा। ये छतरी बन जाती है, जब छतरी बन जाएगी उसमें आलू डालेंगे, फिर चावल फोड़ देंगे। तेल कढ़ाई में है तो आराम से डालिएगा। हमारे यहाँ पर हर कोई सेफ बनना चाहता है, कभी आकृति के पापा, तो मैं सबको मौका देती हूँ बारी बार से, ताकि किसी को ये करने का मौका ना मिले कि उनको मौका नहीं मिला है सेफ बनने का। इसमें मेरा भी फायदा होता है कि कभी कभी गरम गरम चीज़ें मुझे मिल जाती है खाने के लिए और मैं खा लेती हूँ। जैसे कि डोसा है तो डोसा भी फर्स्ट वाला जो है आकृति को मिला था और सेकेंड वाला डोसा जो था वो मैं खाई थी। उसके बाद जब मैं बनाई तो मैं आकृति के पापा को दी थी खाने के लिए। तो यहाँ पर डोसा हो गया है तैयार आकृति का और आकृति अब करेगी इसका टेस्ट। तो ये वाला डोसा मैं लेके जा रही हूँ आकृति को पापा को देने के लिए और इस ब्लॉग के मैं कर रही हूँ एंड। मेरा ब्लॉग आज का आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड।